अपनी राशि के अनुसार सावन में इस तरह करें शिव की पूजा तो अवश्य पूर्ण होगी कामना। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल घरेलू टुटके में। इस जानकारी को बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू टुटके को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं। सावन का महीना हर किसी के लिए फलदायी सिद्ध होता है। भगवान शंकर ने स्वयं अपने श्रीमुख से ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार को सावन मास की महिमा के बारे में बताया कि मेरे तीन नेत्रों में सूर्य दाहिने, चंद्रमा वाम नेत्र तथा अग्नि मध्य नेत्र हैं। चंद्रमा की राशि कर्क और ये सूर्य की सिंह है। जब सूर्य कर्क से सिंह राशि तक की यात्रा करते हैं तो ये दोनों संक्रांतियां अत्यंत पुण्य फलदायी होती हैं और यह पुण्य काल सावन के महीने में ही होता है, अर्थात ये दोनों ही संक्रांतियां सावन में ही आती हैं। अतः सावन मास मुझे अधिक प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक राशि वाले अलग अलग तरह से शिव पूजा की विधि अपना सकते हैं। सावन में हर राशि का व्यक्ति शिव पूजा से पहले काले तिल जल में मिलाकर स्नान करे। शिव पूजा में कनेर, मौलाश्री और बेलपत्र जरूर चढ़ाए। इसके अलावा किसी राशि के व्यक्ति को किस पूजा सामग्री से शिव पूजा अधिक शुभ फल देती है, इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। दोस्तों, मेष राशि के व्यक्ति जल में गुड़ मिलाकर शिव का अभिषेक करें। शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बनाकर शिव को भोग लगाएं। लाल चंदन व कनेर के फूल चढ़ाएं। वृष राशि के लोगों के लिए दही से शिव का अभिषेक शुभ फल देता है। इसके अलावा सफेद चंदन, सफेद फूल और अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। मिथुन राशि का व्यक्ति गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करें। अन्य पूजा सामग्री में मूंग, दुर्वा और कुशा भी अर्पित करें। कर्क राशि के शिव भक्त घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही कच्चा दूध, सफेद आंकड़े का फूल और शंख पुष्पी भी चढ़ाएं। सिंह राशि के व्यक्ति गुड़ के जल से शिव जी का अभिषेक करें। वह गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग शिव को लगाएं। मदार के फूल भी चढ़ाएं। कन्या राशि के व्यक्ति गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव को भांग, दुर्वा व पान चढ़ाएं। तुला राशि के जातक इत्र या सुगंधित तेल से शिव का अभिषेक करें और दही, शहद और श्रीखंड का प्रसाद चढ़ाएं। सफेद फूल भी पूजा में शिव को अर्पित करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचामृत से शिव का अभिषेक शीघ्र फल देने वाला माना जाता है। साथ ही लाल फूल भी शिव को जरूर चढ़ाएं। धनु राशि के जातक दूध में हल्दी मिलाकर शिव का अभिषेक करें। भगवान को चने के आटे और मिश्री से मिठाई तैयार कर भोग लगाएं। पीले या गेंदे के फूल पूजा में अर्पित करें। मकर राशि के जातकों को नारियल के पानी से शिव का अभिषेक विशेष फल देता है। साथ ही उड़द की दाल से तैयार मिष्ठान का भगवान को भोग लगाएं। नीले कमल का फूल भी भगवान को चढ़ाएं। कुंभ राशि के व्यक्ति को तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए। उड़द से बनी मिठाई का भोग लगाएं और शमी के फूल पूजा में अर्पित करें। यह शनि पीड़ा को भी कम करता है। दोस्तों, यह थी अपनी अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने का उपाय। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।